अभी हम जम्मू एयरपोर्ट पहुंच गए। जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंच के अपना बैग कलेक्ट किए और बैग कलेक्ट करने के बाद अब हमें यात्रा इन्फॉर्मेशन इन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आए हैं, तो यहाँ पे यात्रा का रजिस्ट्रेशन होगा। रास्ता का प्रवास बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है। बजे मैं घोड़े पर से बैठ के निकला था, तो मेरी पत्नी पालकी पे पीछे है, कुछ लोग पैदल हैं वो आ रहे हैं और मैं घोड़े पर आया। बीच रास्ते पे यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे वो घोड़े को खाना खिला रहे हैं और फिर हमने चाय पिया, पकौड़ा खाया, पानी पिया और थोड़ा सा अपने आप को हल्का किया और यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि घोड़े की थोड़ी थकान कम हो जाए तो चले। बड़ा ही कठिन रास्ता है, मैं तो सोच रहा था कि मैं पैदल जाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ मैं पैदल नहीं आया। बहुत मुश्किल था, एक तो रात का समय और अपना उम्र का तकाजा, शायद इतना चलने से मुश्किल हो जाता है। घोड़े बड़े मुश्किल से चढ़ते हैं तो आदमी कैसे चले। मैं घोड़े पर बैठने के कारण आपको मैं दृश्य कुछ दिखा नहीं पाया, क्योंकि घोड़े से आप दोनों हाथों से घोड़े को ही पकड़ के, लगाम पकड़ के ही बैठे रहते हैं, आप फोटो क्या निकालेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो गया और अभी मैंने यहाँ पे आके एक सिम लिया, जियो का सिम लिया प्रीपेड, जो चालू होने को तो 10 मिनट ही हो गया, लेकिन ऊपर आ जाने के बाद जियो का यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, इसलिए मेरे अन्य लोगों से कांटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आपका प्रीपेड यहाँ पर नहीं चल सकता है, तो आपका आधार कार्ड लेके फिर एक प्रीपेड
सिम दे देते हो तो इसका क्या अर्थ है कि जिसको इसका भी दुरुपयोग करना होगा करेगा। तो इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे, लोगों ने यहाँ पे सिम 400-400 रुपये खरीदे 3 दिन के लिए और वो अभी चल नहीं रहा, तो इसका क्या उपयोग है। तो देखते हैं, अभी चलते हैं अपने घोड़े वालों से और निकलते हैं। खैर जो कुछ भी हो, एक अलग अनुभव है, माता ने यहाँ बुलाया है इसलिए आए हैं, नहीं तो कभी संभव नहीं था। इतनी बार इतने मौके आए लेकिन नहीं आए, रब की बात सहज आ गए और करीब करीब अब पहुँच भी गए हैं। माता के दर्शन करेंगे और यहाँ पे ठंड खूब है भाई, अभी मुंबई में गर्मी है लेकिन यहाँ पे ठंड है। तो अभी ये वीडियो यही अंत करते हैं, फिर आगे का आगे भी।